हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जॉली ऑर्गेनिक टी के बारे में बताऊंगी। यह नींबू के साथ जॉली ऑर्गेनिक टी एक अद्वितीय तरीके से निर्मित ग्रीन टी का एक अद्भुत मिश्रण है। यह शुद्ध रूप से हिमालय के चाय के बागानों को नींबू के साथ मिश्रित किया जाता है। जॉली लेमन टी एंटी ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्वों के साथ भरी हुई है, जिसका प्रभाव बॉडी फैट को कम करने जैसा है। यह वजन कम करने वालों के लिए पसंदीदा पेय है। ग्रीन टी में ऐसे कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। शरीर को स्वस्थ और तरोताज़ा रखने के साथ ही आपके बढ़ते हुए वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। ये टी में पॉलीफिनोल्स है, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपके शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। साथ ही ये आपको कैंसर से बचने में भी मदद करती है। ये ग्रीन टी शरीर को अंदर से साफ करते हैं, जिससे आप बहुत ही बीमारियों से बचे रहते हैं और बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर आने वाली झुर्रियों से भी बचे रहते हैं। जॉली ऑर्गेनिक टी का सेवन आपका पाचन तंत्र तेज करने में मदद करता है, जिससे आपके खाए हुए न्यूट्रिएंट आपके शरीर में ऑब्जर्व होने लगते हैं और फैट जमना कम हो जाता है। इस टी से वजन और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम करने में मदद मिलती है। ये टी पाचन तंत्र और नसों के लिए एक टॉनिक की तरह है। जॉली ऑर्गेनिक टी मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। इस टी से फूड पॉइजनिंग से भी बचा जा सकता है। जॉली ऑर्गेनिक टी का निर्माण ग्रीन टी की पत्तियों के साथ तुलसी की 5 तरह की पत्तियों के मिश्रण द्वारा किया गया है। इसमें रामा तुलसी, विष्णु तुलसी, काला तुलसी, बिस्वा तुलसी और स्वीट लेमन तुलसी का मिश्रण है। इससे आपका स्वाद और खुशबू और बेहतर हो जाती है और स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। जॉली ऑर्गेनिक टी दिन में 2-3 बार पीने से एकाग्रता बढ़ती है। ये टी शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। जॉली ऑर्गेनिक टी को दिन में 2-3 बार पीकर अपने शरीर को आप रोग मुक्त रख सकते हैं। जॉली ऑर्गेनिक टी का सेवन आपकी त्वचा और बालों को भी सुंदर बनाए रखता है, साथ ही ये आपके स्ट्रेस को कम करने में भी सहायक है। इसके साथ ही साथ ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपको लंबे समय तक एक्टिव बने रहने में सहायता मिलती है। तो ग्रीन टी के फायदे हमने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही तरीका क्या है। ग्रीन टी कभी खाली पेट नहीं पीना चाहिए और इसे खाना खाने से 1 या 2 घंटे पहले ही पीना चाहिए। इस टी में आप कभी दूध या चीनी नहीं डालने, इससे परहेज करें। हाँ, आप ग्रीन टी में शहद मिला सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीन टी को 2 या 3 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और नहीं खाने के तुरंत ही पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पीने से आपको तकलीफ़ हो सकती है। अब मैं आपको इसको बनाने की विधि बताती हूँ। ये बहुत ही आसान है। ये इस तरह से टी बैग है, इसके अंदर आप इसे सबसे पहले पानी उबालें और 1 कप में टी बैग डालें। उसके बाद उबला पानी कप में डालें, फिर 1.5 से 2 मिनट तक चाय के कप को ढक दें। 2 मिनट से ज़्यादा चाय कड़वी हो सकती है। फिर इसे चाय छान लें और टी बैग निकाल दें। कम से कम
इसे कम से कम आधा घंटा व्यायाम से पहले पीने से आपकी स्टेमिना भी बढ़ती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जॉली ऑर्गेनिक टी की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।